सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर जिले के भिवाड़ी के खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में करीबन 3 बजे एमपी पॉलीमर उद्योग इकाई में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरे प्लांट को अपने चपेट में ले लिया और प्लांट के अंदर रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कंपनी में प्लास्टिक आइटम बनाने का काम किया जाता है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गोपेश शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गोपेश जी, आग किस तरीके से कैसे क्या लगी और कितने का क्या नुकसान हुआ है? आज अलवर जिले की भिवाड़ी के अंदर पॉलीमर उद्योग इकाई के अंदर जो आग लगी थी, भिवाड़ी के खुसखेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार 3 बजे एमएस पॉलीमर उद्योगिक इकाई जो प्लास्टिक के खिलौने और प्लास्टिक के बर्तन बनाने का कार्य करती थी, उसके अंदर अचानक आग लग गई। जिस समय आग लगी थी उस समय कंपनी बंद थी, केवल एक ही गार्ड कंपनी के अंदर था। कंपनी के अंदर लगी आग को देखकर गार्ड ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पुलिस कंट्रोल रूम के भिवाड़ी रिको अग्निशमन केंद्र इंचार्ज राजू खान सूचना के आधार पर 6 गाड़ियां मौके पर भिजवाई गई, साथ ही एक होंडा कंपनी से भी गाड़ी आग बुझाने के लिए आई। आग इतनी भयावह थी कि आग को देखने के लिए आसपास के लोग में भारी हड़कंप सा मच गया और दूर से खुसखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रिको अग्निशमन केंद्र के इंचार्ज ने बताया था कि 6 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कंपनी के अंदर पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। कंपनी के कारणों का अभी तक पता भी नहीं लगा है, क्योंकि हर दफे जब मार्च का महीना और दिसंबर का महीना आता है, गौरतलब बात है कि मार्च का और दिसंबर का महीना जो जो पास में आता है या कोई पर्व पास में आता है या किसी कंपनी का कोई डिस्प्यूट होता है तो कंपनियों में आग ही क्यों लगती है। अभी नीमराणा में भी डाइकन कंपनी में आग लगी थी, भिवाड़ी के अंदर भी आग लगी थी, अलवर भी औद्योगिक कंपनियों में आग लगी थी, तो आखिर ये क्यों लगती है आगे, क्या कारण है? जानबूझ करके लगाई जाती हैं या कोई फॉल्ट आता है या जानबूझ करके कोई फॉल्ट छोड़ा जाता है, इसकी जानकारी विभागीय अधिकारी क्यों नहीं करते हैं बारीकी से, जिससे दोषियों को सजा मिल सके और ये जो राजस्व का नुकसान होता है, सरकार का पैसा हड़प लिया जाता है, लोन चुकाने के बहाने आग लगा ली जाती है, इन पर कार्रवाई हो सके। हरिओम जी। गोपेश, अभी तक कितने का क्या नुकसान हो गया होगा कंपनी में, जिस तरीके से भयानक आग लगी है, कितने का क्या नुकसान? अभी आकलन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक के खिलौना का और बर्तन बनाने का कार्य होता था, कंपनी के अंदर राहत कार्य चल रहा है, देखा जा रहा है कि कितना खर्च इसमें आएगा या कितना नुकसान हुआ है, जिसकी अभी आकलन नहीं हो पाई है, क्योंकि रात हो चुकी है और धुआं की वजह से सारा बदबू की वजह से सारा प्लांट जो है वो घुटा हुआ है। जी गोपेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।